नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस राज्य में पुणि 10,000 पार दैनिक संक्रमण खोर्धार सर्वाधिक 1557 कटक 930 आक्रांत मलकानगिरी कंधमाल को बाद देले अन्य सब जिले में 3 अंक उपरे डेली केस कोविड मुकाबला ने प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक ऑक्सीजन आवंटन टीकाकरण औषध स्थिति ने समीक्षा उठला ब्लैक फंगस प्रसंग फार्मा कंपनी को अधिक सहयोग चाहिए मोदी टीका केन्द्र को आसवाक असमर्थ व्यक्ति को टीका देवाई कौन रही व्यवस्था राज्य सरकार को जवाब तलब कले हाइकोर्ट 7 दिन भितर जवाब देवाई निर्देश 31 मामलार परवर्त शुणा चाषी को खूब शीघ्र मिलवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार अष्टम किस्ती 14 तारीख में प्रकाश पाव तालिका तीनोटी किस्ती में चाषी को मिल 6,000 टंका संपूर्ण खबर को आसवा राज्य में 10,000 पार ट्रेन रे ब्रेक लागू नहीं 24 घंटा रे 10,649 नुआ आक्रांत चिन्हट होती खोर्धा जिलारु सर्वाधिक माने 1557 पॉजिटिव चिन्हट होती कटक रे 930 सुंदरगढ़ आसी 774 केस मालकानगिरी कंधमाल को छाड़देले बाकी 28 जिले में 3 अंक उपर डेली केस रोचे अनुगुल 557 आसीथिबा बेले बालेश्वर 503 संबलपुर 494 पॉजिटिव चिन्हट होती से भली भाव में मयूरभंज 404 बरगढ़ 391 झारसुगुड़ 368 नयागढ़ आसी 357 नुआ आक्रांत चिन्हट होती ए बाबद अधिक सूचना फोन लाइन में आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती अच्छा दिव्यज्योति जेभली भाव में आज लगातार भाव में जब देखा राज्य में ट्रेन 10,000 ऊपर रही सर्वाधिक केस रे खोर्धा रही तो खोर्धार सर्वाधिक 1557 केस सामना को आसी कौन सूचना रोचे देखो निश्चित भाव में दिनक दिन संक्रमित संख्या बढ़ुची जहाक सरकार चिंता प्रकट कर सरकार स्तर में विभिन्न बैठक बसुची रणनीति प्रस्तुत होती नुआ नुआ रणनीति प्रस्तुत होती तापर भी क्यों ना क्यों रणनीति काम देनी आप देखु प्रथम छत्तीसगढ़ टेनसन सरकार को रही कि छत्तीसगढ़ सीमावर्ती जिला गुड़िक संख्या बढ़ुला ताकु नहीं सरकार चिंतित थे वर्तमान देखिए आंध्र प्रदेश हो कि पश्चिम बंग हूँ जो सीमावर्ती जिला गुड़िक रही परिसंख्यान बढ़ुची जहाँ सरकार चिंता बढ़ी से सब जिला गुड़िक कौन नुआ मास्टर प्लान करिया पड़ो से दिगरे मध्य सरकार कार्य करछंती सब बड़ कथा हूँ आज जो 10,649 नुआ संख्या चिन्हट होती भितर 42% केस केवल 5 जिलूर आसुची अनुगुल बालेश्वर कटक सुंदरगढ़ और खोर्धा ये 5 जिले में केवल 42% केस रही 5 जिला जहाँ को नहीं चिंता प्रकट करपटे आप देखिए जो भाई भाव में राज्य में बेड अभाव बर्तमान धीरे धीरे परलक्षित जदिव सरकार कहते संपूर्ण बेड अवेलेबल अच्छी किंतु सरकार तथ्य कहती बेड धीरे धीरे फिलअप होती देखते गत काली जहाँ सरकार तथ्य देखते 77% आईसीयू बेड या भितर भर्ती हो सारी अर्थात अधिक लोक आईसीयू बेड एवं आवश्यक होती सहित 53% भेन्टिलेटर बर्तमान व्यवहार करा 56% साधारण बेड बर्तमान भर्ती हो सारा तो आगू जदि स्थिति आहरी बढ़े जदि परिसंख्यान आहरी बढ़े तो लोक मूँ क्योंकि रखा तार सब बड़ चिंताजनक विषय आईसीयू बेड को तुरंत बढ़ेबार आवश्यक रही है और आईसीयू बेड संगे संगे कार्यक्षम करवा संभव नुहे किभली यार विकल्प व्यवस्था करोटे आईसीयू बेड अणाजी से दिग्वे सरकार बर्तमान तो चिंता करार आवश्यक रही ना दिल्ली भाई पशु दूर नुहे अंपटे आप देखिए जदि सरकार कहते होम आइसोलेशन अनेक रोचार सबुठ देखिए खोर्धा बीएमसी अंचल अधिक होम आइसोलेशन लोक रही जो 83% लोक होम आइसोलेशन होती जदि यही सब लोक मेडिकल को जीवाई आगभर है मेडिकल आवश्यक पड़ो खोर्धा विशेष भुवनेश्वर अंचल स्थिति कौन हम दिव्यज्योति विशेष भाव में देखा जो आगुरी माने होम आइसोलेशन रहिले भी तांको भीतर बेसी भय रहु नथुले एवं सेमाने मानसिक भाव रे दृढ़ थिले वर्तमान परिस्थिति रे माने द्वितीय लहरर भयावहता को देखि एक कथा स्पष्ट जे जो माने घरे मध्य रहउचंती तांको टिके अनिजी फील हेले सेमाने सांगे सांगे हॉस्पिटल को आसीबा पई चाहउचंती रिस्क नबा पई चाहउनांती एभले क्षेत्र रे बेड संख्या मौजूद रहिबा आवश्यक परिमाण रे एक बड़ चैलेंज सरकार को पई रहइबो निश्चित भाव बेड संख्या वृद्धि करवा निहतर बड़ चैलेंज रत थर अपेक्षा जदिव सरकार एथर बेड संख्या बढ़ाई किंतु यह सफिसीएंट नुह विशेषज्ञ मैंने कहते आग को स्थिति आहरी भयंकर हम मिनिमम आमको मे मस पर्यंत अर्थात मे मसर संपूर्ण मे मस आमको प्रस्तुत रहा पड़ो कारण आहरी 20 दिन यह स्थित रोज
यदि 20 दिन ये स्थित रही है आगे परिसंख्यान बढ़े पाखापाखि जो 15,000 पर्यंत जाऊे कारण स्वास्थ्य विभाग आकलन कर 13,000 अधिक संक्रमित दैनिक चिन्हट हे कि आकलन को आम शुणे तालोले क्यों ना कहते आमको बेड र कमी अनुभव हे और दृष्टि रखी सरकार को एवं आगुआ पदक्षेप ना हो कारण से जदि सरकार पदक्षेप चेषा करेंगे से कौन प्रकार संभव हे ना अनेक लोक दिल्ली भली बाहर पेसेंट पड़ार निश्चित भाव में ए दृश्य देखा न मिलू जे बेड रो संख्या कम रहिबो एवं बाहर पेसेंट पड़ रही है आग को पिक रही कोरोना एवं आगामी दिन पर आहुरी अधिक चैलेंजिंग सिचुएशन रहाकू नहीं राज्य सरकार वर्तमान प्रस्तुति आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि कोरोना बाबत आमको अधिक अपडेट सूचना दूसरे राज्य में कौन स्टाटस रही ऑक्सीजन आवंटन टीकाकरण आवश्यक औषध को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चस्तरीय बैठक देश में लग रही कोरोना संकट को नहीं बैठक डाकी प्रधानमंत्री तबे ए बैठक में ऑक्सीजन आवंटन टीकाकरण आवश्यक औषध को नहीं समीक्षा करा जाएगी कोरोना संक्रमण सुस्थ होला परे होता ब्लैक फंगस को नहीं बैठक में आलोचना करा जाएगी ब्लैक फंगस औषध आवंटन उपर गुरुत्व देवा सहित आगुआ पदक्षेप ग्रहण करने बैठक में प्रधानमंत्री निर्देश देते प्रधानमंत्री कहते समस्त राज्यगुड़ी को आवश्यक औषध आवंटन करा जाउछि औषध कंपनी गुड़िक एवं सरकार मिलित भाव काम कले एभली संकट समय देश निश्चय भाव कोरोना को हरई पारिबो एवं प्रधानमंत्री ए आशा व्यक्त करिछन्ति कोरोना मुकाबलें नुआ अस्त्र ऑक्सीकेयर डीआरडीओ द्वारा विकसित ऑक्सीजन केयर बा ऑक्सीकेयर किणव केन्द्र 1,50,000 यूनिट किणा एने पीएम केयर फंड अर्थ दिजाव खर्च हो 332 कोटी टंका ऑक्सीकेयर सिस्टम यूनिट क्रय को पीएम केयर्स पांठि अनुमोदन करीआरडीओ पक्ष सूचना दीजाई ए ऑक्सीकेयर सिस्टम हो एसपीओ टू आधारित अम्लजान जोगाण व्यवस्था जहां रोगी को दि जाऊ अनियंत्रित ऑक्सीजन व्यवहार को जांच कर पीएम केयर फंड्र अर्थ एवं देश में कोरोना मुकाबला क्षेत्र में व्यवहार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देशवासी को जनाई सेपटे जेल रे बढ़ी चली कोरोना संक्रमण जेल कर्तृपक्ष को घारी कैदी स्वास्थ्यावस्था चिंता अपराधी को जरूरी कालीन पारोल ने नहीं प्रश्न उठू एति बेले नजर को आसी 2020 पारोल पाई खलास होता कैदी को नहीं दिल्ली जेल प्रशासन पक्षर गुरुत्वपूर्ण तथ्य जेल रे बढ़ुची कोरोना संक्रमण अपराधी को पारोल नहीं उठू प्रश्न दिल्ली जेल प्रशासन गुरुत्वपूर्ण तथ्य पारोल पाई फेरार अच्छा 65% कैदी कैदी करुणा अपराधर पुनरावृत्ति जेल क्षमतारु दुई गुण अपराधी काटुं सजा बढ़िपे अपराधिक कार्यकलाप गोटेपटे जेल रे बढ़ुची कोरोना संक्रमण और अंपटे अपराधी को मिलूँ जरूरी कालीन पारोल दुर्दांत अपराधी पारोल पाई खलास होचाराधीन अपराधी बाहर को आसी खुलमखुला बुलू करोनार प्रथम लहर बेले पारोल रे जेल रु बाहरी हजार हजार अपराधी से हीपरी करोनार द्वितीय लहर भी जेल रे भय सृष्टि करुछि महामारी बेले अपराधी को मिलुछि जरूरी कालीन पारोल मानवीकतार ना रे भयंकर अपराधी को कारागार रु छड़ा जाउछि एतिकी बेले अपराधी को खलास परे सृष्टि होउछि प्रश्नवाची अपराधी को पारोल बेले राजधानी दिल्ली रु आसिछि चमकाई देला भली तथ्य दिल्ली जेल प्रशासन डाटा अनुसार गत वर्ष अंतरीण जमिन में 4,684 जन विचाराधीन एवं दोषी सब्यस्त कैदी को छड़ा जाता भितर केवल 2,334 जन अपराधी कारागार को फेरी अंपटे 2,350 जन अपराधी फेरार होती दिल्ली जेल प्रशासन तथ्य अनुसार पारोल में आसी 65% अपराधी फेरार अच्छा फेरार कैदी मानों भितर 180 जन रु अधिक पुणी अपराध घटाई गिरफ होता कहुई 200 रु अधिक अपराधी पुणा अपराध को पुनरावृत्ति कर आशंका अंपटे दिल्ली तीन टी जेल तिहार मंडली और रोहिणी में 10,000 कैदी को रखार क्षमता थी बेले एण कैदी सजा कटुवा कहुईार 500 रु अधिक कैदी एही तीनटी कारागारे रही जेल प्रशासन पक्षर जनापड़ी कैदी जरूरी कालीन पारोल नहीं 2020 मार्च रे सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करते एवं पुणि थे कैदी पारोल अवधि बढ़ावा सर्वोच्च अदालत आदेश देते
पारोल रे आसिथिबा कैदी को गिरफ न करिबाकु कोर्ट चाहुथिबा कुहा जायछि। सुप्रीम कोर्ट क एबले निर्देश रे अपराधिक कार्यकला बळिबा नै मत प्रकाश पाउछि। अपराधी को कोविड रु बचाइबाकु जाय पुणी लोकंकु अपराध रो सामना करिबाकु पड़ि पारे बोली आशंका करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कोविड संक्रमण समय हिसाब रे अनेक रहस्यमय लक्षण देखिबाकु मिलिछि। सेथि भितर गोटिए हेउछि हापी हाइपोक्सिया, जहाँ एबे पालटिछि चिंतार कारण। 2020 रे कोविड रो प्रथम लहर समय रे किछि संक्रमित हापी हाइपोक्सिया रो शिकार होइथिले मध्य एबे द्वितीय लहर रे एहा बेसी परिमाण रे भारतर युव कोविड संक्रमितंकु भीषण स्वास्थ्य समस्या रे पकौथुबा देखिबाकु मिलिछि। कोविड संक्रमित हेले रुहंतु सतर्क, आपण होई परंती हापी हाइपोक्सिया रो शिकार। हापी हाइपोक्सिया को अनदेखा आनी परे दुख होई परे अकाल मृत्यु रो कारण किपरि जानिबे आपण होईचंती हापी हाइपोक्सिया रो शिकार, एति पई कोन कहउचंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। कोविड संक्रमण समय अनुसार अनेक रहस्यमय लक्षण देखाई चलीचि, सेति मध्यरु गोटे हेउचि नीरव हाइपोक्समिया, खुशी हाइपोक्सिया बा हापी हाइपोक्सिया, जहां एबे पालटिछि चिंतार कारण। 2020 रे कोविड रा प्रथम लहर समय रे किछि संक्रमित हापी हाइपोक्सिया रा शिकार होइतिले मध्य एबे द्वितीय लहर रे एहा बेसी परिमाण रे भारतर युव कोविड संक्रमित को भीषण स्वास्थ्य समस्या रे पकाउथिबार जणा पडिछि। केवल एही कारणरु अनेक संक्रमितक पई जरूरी कालीन भावरे आवश्यक हेउछि ऑक्सीजन। तबे कोन एही हाइपोक्सिया, काही एही स्वास्थ्य समस्या को कुहा जाउछि हापी हाइपोक्सिया। जणे संक्रमित केमिति जानिबे से शिकार होइछंती हापी हाइपोक्सियार, एपरि परिस्थिति रे किपरि नेबाकु पडिबो स्वास्थ्य रो उपयुक्त जत्न। स्वास्थ्य विशेषज्ञक मतरे हाइपोक्सिया हेउची सेही स्वास्थ्य समस्या जेउतिरे रक्तरे अम्लजान स्तर आवश्यकता ठारु कम होई जाए, फळरे शरीरर विभिन्न टिश्यूरे अम्लजान पहुँचि पारेनि। साधारणतः जणे सुस्थ व्यक्ति देहरे ऑक्सीजन स्तर 95 रु 100 मध्यरे रहिथाए, जहाँकु कहुजाए ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर। एहाकु मापिबा पई व्यवहृत हुए ऑक्सीमीटर नामक एक डिवाइस। केतक फुसफुस सम्बन्धीय एवं अन्यान्य स्वास्थ्य समस्यारे एहार स्तर 95 रु तळकु चली जाए, एहाकु कहुजाए हाइपोक्सिया। एहा संपूर्ण शरीर पई समस्या सृष्टि करि पारे किंबा निर्दिष्ट कोनोसी अंग पई साजि पारे समस्या। रोगी श्वासन बारे कष्ट अनुभव करे, किछि अंग प्रत्यंग ठीक भाबरे काम करि परंति। तेबे कोविड रोगीक क्षेत्र रे किंतु एही हाइपोक्सिया सृष्टि करिछि चिंताजनक परिस्थिति। निर्धारित 95% रु हठात कमी कमी 60 बा ता तळ पर्यंत, एपरिकि 40 रे पहुंचि जाए ऑक्सीजन सैचुरेशन स्तर। मात्र समस्या हेउछि अनेक संक्रमित ए बाबदरे आदौ पूर्वरु जानि पारंतिनि, सबु ठीक ठाक थाए, सेथिपाई एहाकु कहा जाए नीरव हाइपोक्सिया बा हापी हाइपोक्सिया। तेबे एहा जणा पड़िबा बेळकु अवस्था होइ जाए असंभाल, संक्रमितंकु तुरंत दरकार पड़े ऑक्सीजन सपोर्ट। भारतरे कोरोनार द्वितीय लहरी रे एहा सबु वयसर रोगीक ठारे देखा जाउथिबा बेळे युव संक्रमितंक ठारे बेसी परिलक्षित हेउछि। कोविड भूताणु फुसफुस को अधिक संक्रमित होइतिले फुसफुस रो ऑक्सीजन ग्रहण करिबा शक्ति कम होइ जाए। हापी हाइपोक्सिया फळरे मस्तिष्क, हृत्पिंड एवं अन्य गुरुत्वपूर्ण अंगगुडीक अचल हेबा अवस्था को आसी जांति। ओठ और चर्मर रंग परिवर्तन, साधारण तापमात्रा रे शरीर प्रचुर झाळ बाहरिबा हापी हाइपोक्सिया लक्षण होइपारे। एहा छड़ा पाखरे पल्स ऑक्सीमीटर रखि बारंबार ऑक्सीजन सैचुरेशन मापिबा उचित। समस्या चिन्हट हेले तुरंत डाक्तरक परामर्श रे ऑक्सीजन सपोर्ट एवं चिकित्सा रे रहिले दूर करा जाई पारिबो हापी हाइपोक्सिया एवं रक्षा होई पारिबो जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। मॉर्निंग बॉस को इच्छा के बाद विदा दियंतु। नमस्कार।